अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आपको देखिए पता चल ही गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी माशाल्लाह से हम उमरे के लिए गए गए तो हम अपनी गाड़ी में थे, लेकिन गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके हम हरम तक बस में गए, क्योंकि ये बसें स्पेशली हरम पहुँचाने के लिए चलती हैं। जब हम हरम पहुंचे तो उस वक्त 5:10 हो रहे थे। आप जानते ही हैं कि रमजान में बहुत ज्यादा लोग उमरा करने के लिए आते हैं, इसलिए हमें हरम के सबसे ऊपर वाले फ्लोर में भेजा गया तवाफ करने के लिए, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और ऊपर कुछ लोग रोजेदारों को खजूरें, शरबत और अरबी कावा, जो कि अरब में खजूरों के साथ पिया जाता है, दे रहे थे। हमारा भी तवाफ का दूसरा चक्कर ही कम्प्लीट हुआ था कि इफ्तारी का टाइम हो गया, इसलिए रोजा खोलने के लिए रुक गए। खाना काबा का बहुत प्यारा मंजर था और ये देख कर दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। हमने रोज़ा खजूर और अरबिक कावा से खोला। नमाज पढ़ने के बाद मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। पापा ने कहा कि मुझे बाकी का तवाफ़ व्हील चेयर पर करवा देंगे, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि मैं उमरा इस तरह अदा करूं। मैंने पापा से कहा कि मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूं और जब मैं बेहतर फील करूंगी तो फिर अपना तवाफ़ स्टार्ट करूंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना उमरा कम्प्लीट कर लिया। हमें हरम से निकलने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि कुछ लोग उमरा करके और कुछ लोग तरावी पढ़ के जा रहे थे। हरम के बाहर बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जिनमें तस्बीह, जायनमाज, स्टेशनरी का सामान, टॉयस और बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं। जब भी हम यहाँ आते हैं तो मेरा भाई भाग कर इन शॉप्स में चला जाता है और घूमता रहता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि उसने लेना क्या है। बहुत देर घूमने के बाद उसको कोई टॉय पसंद आ ही गया। इस दफ़ा तो उसने नमाज वाली टोपी भी ली। वापसी पे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और सहरी का टाइम ख़त्म होने में 1 घंटा रह गया था, और सहरी हमने रेस्टोरेंट में की।